प्रिय छात्रों, कक्षा 11वीं व्यावसायिक अध्ययन बिजनेस स्टडी, यहाँ पर इकाई 3 अध्याय 3.1 के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। आप लोग सभी लोग अपने घरों के आसपास जो कि दुकानें हों या कुछ बड़े व्यावसायिक संस्थान हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों हो, जो विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार को करती हैं, इन सार्वजनिक दुकानें या जो साझेदारी संस्थाएं हैं या व्यावसायिक व्यापारिक संस्थाएं हैं, कंपनी, इनमें आप देखते हैं कि इनका जो स्वामित्व होता है वो कैसा होता है? निजी होता है। निजी मतलब स्वयं का। तो निजी क्षेत्र क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र जिस पर नियंत्रण और प्रबंधन सरकार का हो, ये हो गया सार्वजनिक क्षेत्र। आज हम व्यवसायिक अध्ययन के कक्षा 11वीं में जानेंगे कि प्राइवेट सेक्टर वाले व्यवसाय कौन से हैं और पब्लिक सेक्टर वाले व्यवसाय कौन से कहलाते हैं, इनका अर्थ क्या है, इनकी विशेषताएं क्या हैं और इनके महत्व क्या है। तो अभी हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र क्या कहलाता है। तो यहां हम देखेंगे निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र। सन 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, उसके पश्चात जो है देश के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न औद्योगिक नीतियां जो हैं लागू की गई, व्यापार व्यवसाय में की नीतियों में नियमों में ढील दी गई और नई नई समय समय पर नीतियां लागू की। सबसे पहली जो औद्योगिक नीति का प्रस्ताव था, वर्ष 1948 में ये प्रस्ताव अमल में लाया गया था। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को स्वीकार किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं, पूंजीवादी और समाजवादी। तो यहाँ पर पूंजीवादी को भी और समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था को यहाँ पर स्वीकार किया गया, जिसमें औद्योगिक विकास का जो दायित्व है वो निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया। निजी क्षेत्र में जो सम्मिलित होते हैं, एकल व्यवसाय हो गए आपके, जो एक अकेले व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय या व्यापार है, और इसमें जो लाभ हानि का जो जिम्मेदार है वो वही एक अकेला व्यक्ति, वही स्वामी होगा। दूसरे प्रकार का जो व्यवसाय है, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ये भी निजी क्षेत्र का व्यवसाय कहलाता है। अर्थात एक ही परिवार के जो सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, उनके द्वारा जो व्यवसाय संचालित किया जा रहा है वो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहलाता है। तो संयुक्त हिंदू परिवार की व्यवसाय की जो अवधारणा है वो हमारे देश में स्वतंत्रता के पहले से ही अभी तक चली आ रही है, और बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के अंतर्गत संचालित हो रहे हैं। इस संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की एक विशेषता ये है कि इसका जो परिवार का जो मुखिया होता है वो आपके इस परिवार, इस व्यवसाय का जो है वो क्या कहलाता है? मुखिया कहलाता है। फिर सहकारी संस्थाएं हैं और कंपनियां हैं, जिसमें निजी पूंजी लगी है, व्यक्तिगत पूंजी लगी है, उनका हम अध्ययन करते हैं, जो सभी निजी क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रकार से निजी क्षेत्र में ऐसे व्यापार व्यवसाय की संस्थाएं सम्मिलित हैं, जैसे एकल स्वामित्व वाली व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार वाले व्यवसाय, सहकारी संस्थाएं विभिन्न जिसमें बहुत से लोगों की पूंजी लगी है, ठीक इसी प्रकार से कंपनी भी, और साथ ही इसी में साझेदारी संगठन। तो ये सब जो हैं निजी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है सार्वजनिक क्षेत्र, इसमें जो बताया मैंने कि जिनका स्वामित्व व प्रबंध सरकार के पास होता है,
जैसे आज की स्थिति में हम देखते हैं विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, रेलवे विभाग है या तार विभाग है। अब इनमें से भी रेलवे का कुछ हिस्सा जो है प्राइवेटाइजेशन जिसको किया जा रहा है, डाक विभाग का भी बहुत सारा जो विभिन्न प्रकार के दूरसंचार कंपनियां हैं वो भी इसमें कन्वर्ट हो चुकी हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक की भी बात करें तो बैंक भी बहुत सारे निजी क्षेत्र में खुल गए, लेकिन यहाँ पर जो अभी सार्वजनिक क्षेत्र में जो ये हिस्से हैं राष्ट्रीयकृत बैंक के हैं, रेलवे के हैं और डाक विभाग के, तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर जो है औद्योगिक नीति के प्रस्ताव के अनुसार जो है 1991 में दो उद्योग बस जो हैं अभी वर्तमान की स्थिति में जो है सार्वजनिक उद्योगों के लिए आरक्षित हैं, बाकी सारे व्यापार व्यवसाय और सेवाओं से संबंधित जो क्षेत्र हैं वो निजी क्षेत्र को के लिए खुले छोड़ दिए गए। यहाँ हम जो है निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अर्थ, महत्व, सार्वजनिक क्षेत्र के स्वरूप और सार्वजनिक क्षेत्र की परिवर्तित भूमिका का हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो निजी क्षेत्र को हम और बेहतर ढंग से जानते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया कि निजी क्षेत्र क्या है। निजी क्षेत्र ऐसे व्यवसाय वाले क्षेत्र जिसमें स्वामित्व निजी हाथों का, अर्थात व्यक्तिगत, पर्सनल। तो निजी क्षेत्र ऐसे व्यवसाय वाले क्षेत्र हैं जिनमें स्वामित्व निजी हाथों का, अर्थात व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूहों का होता है। जैसे अभी बताया मैंने निजी स्वामित्व वाले व्यवसाय, जिसको हमने बोला था एकल व्यवसाय। फिर साझेदारी, जिसमें दो या दो से अधिक लोगों की पूंजी लगी हुई है। साझेदारी संगठन, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी संगठन में कम से कम 2 सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक 20 सदस्य सामान्य साझेदारी के दशा में हो सकते हैं। वहीं बैंकिंग व्यवसाय वाली साझेदारी की दशा में अधिकतम सदस्य संख्या उसकी होती कितनी, 10। तो साझेदारी संगठन हो गए, फिर सहकारी समितियां हो गई और कंपनियां जिसमें बहुत सारे लोगों की थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूंजी लगी होती है, या फिर कुछ निजी सदस्यों के द्वारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना की जाती है। तो ये कहलाते हैं निजी क्षेत्र वाले व्यापार व्यवसाय उद्योग संस्थाएं। यहाँ जो है औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1991 के अनुसार जो है दो उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संरक्षित हैं, बाकी शेष उद्योग जो हैं वो निजी क्षेत्र में आते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर जाना कि निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर क्या कहलाता है। अब हमारे सामने निजी क्षेत्र की विशेषताएं, हम ऐसे कौन से व्यापार व्यवसाय हैं जिनको हम निजी क्षेत्र के व्यापार व्यवसाय कहते हैं। तो पहला बिंदु जो विशेषता है, निजी स्वामित्व। निजी स्वामित्व से यहाँ पर तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति या जिस व्यक्ति के समूह के द्वारा व्यापार व्यवसाय का संचालन किया जा रहा है, उन्हीं के पास उस व्यापार व्यवसाय का क्या होता है, स्वामित्व होता है। तो यहाँ पर इसमें जो है उन्हीं निजी व्यक्तियों के द्वारा, उन्हीं व्यक्तियों के जो स्वामित्व है उन्हीं के अंडर में इस व्यवसाय का संचालन होता है। फिर दूसरा जो है वो है लाभ का उद्देश्य। निजी क्षेत्र का जो प्राथमिक उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य वो क्या है, लाभ कमाना। तो यहां पर जो है लाभ का इनका प्रमुख प्राथमिक उद्देश्य है। दूसरा, वहीं स्वतंत्र प्रबंध की हम बात करें तो यहां पर चूंकि निजी हाथों की पूंजी लगी होती, इसलिए जो भी संचालन एवं प्रबंध स्वामी के पास होता है,
स्वामी के पास होता है वो स्वतंत्र होता है। यहां पर जो स्वतंत्र प्रबंध की बात करें हम, तो निजी क्षेत्र के जो भी व्यापार व्यवसाय हैं उनका जो प्रबंध की व्यवस्था जो है, मैनेजमेंट की जो व्यवस्था है, संचालन संबंधी जो व्यवस्था है, वो क्या होती है, स्वतंत्र रहते हैं। वो अपने हिसाब से उसका संचालन करते हैं, अपने हिसाब से उसका प्रबंध करते हैं। साथ ही अब बात करें हम वित्त प्रबंध की, तो वित्त प्रबंध जो है पूंजी की व्यवस्था है, पूंजी की व्यवस्था। स्वयं की होती है यहां पर वित्त प्रबंध जो है, पूंजी की व्यवस्था जो है, वो जो निजी क्षेत्र के जो स्वामी हैं, जो व्यवसाय व्यवसाय के व्यापार के संचालक हैं, उनकी स्वयं की पूंजी होती है जो उनके द्वारा यहां वहां से व्यवस्था की जाती है। तो ये वित्त प्रबंध के अंतर्गत। साथ ही अब इसके बाद सरकारी भागीदारी का अभाव, ये चूंकि पूर्णतः प्राइवेट संस्थाएं होती हैं, इनमें किसी भी प्रकार का राज्य या सरकारी भागीदारी हिस्सा भागीदारी का अभाव रहता है। अर्थात यहाँ पर सरकारी भागीदारी के अभाव के अंतर्गत हम देखते हैं कि सरकार का या राज्य का किसी भी प्रकार की जो हिस्सेदारी है या भागीदारी है वो इसमें नहीं होती। लेकिन जो भी व्यापार व्यवसाय उद्योग संचालित निजी क्षेत्र के अंतर्गत किए जाते हैं वो राज्य या सरकार की नीतियों के अंतर्गत ही वैधानिक नियमों के अनुसार किए जाते हैं। ये सरकारी नीतियों का इसमें जो है अभाव रहता है। फिर जवाबदारी की बात करें हम, तो निजी क्षेत्र के द्वारा जो भी जवाब व्यापार व्यवसाय किया जा रहा है वो जवाबदारी किसकी है, स्वयं की। स्वयं प्रत्येक व्यापारी व्यवसायी उद्योगपति जो भी निजी क्षेत्र में अपने व्यापार व्यवसाय का अपनी पूंजी लगाकर संचालन कर रहा है उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जो है, उसकी लाभ की हानि की समस्त जान जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, यहाँ पर स्वयं निजी क्षेत्र। तो ये हमने देखी यहाँ पर निजी क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं, निजी स्वामित्व, निजी हाथों का स्वामित्व होता है, वहीं लाभ का जो उद्देश्य है वो प्राथमिक उद्देश्य है लाभ कमाना। फिर प्रबंध जो है वो स्वतंत्र है, जो भी संचालन मैनेजमेंट प्रबंध जो भी किया जाता है वो उनके द्वारा स्वतंत्र रूप से किया जाता है। वित्त प्रबंध पूंजी की व्यवस्था जो है उनकी स्वयं की होती है। सरकारी भागीदारी का इसमें अभाव होता है, वो किसी भी प्रकार का निजी क्षेत्र के व्यापार व्यवसाय उद्योग के संचालन में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन जो भी व्यापार व्यवसाय उद्योग स्थापित किया जाता है वो सरकारी नियमों के अंतर्गत किया जाता है और जवाबदारी जो है वो निजी क्षेत्र की स्वयं की होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि निजी क्षेत्र का आज की स्थिति में महत्व क्या है। भारत में निजी क्षेत्र का जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व ही कुछ सरकारी विभागीय उपक्रम जैसे रेल व डाकतार को छोड़कर समस्त अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र की प्रमुखता रही। यहाँ पर जो है रेलवे और डाकतार विभाग को छोड़ दें यदि, तो स्वतंत्रता के पूर्व से जो भी व्यापार व्यवसाय उद्योग समस्त क्षेत्रों में यहाँ पर निजी क्षेत्र का वर्चस्व रहा है। मतलब हर उत्पादन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र ने आगे बढ़ चढ़कर जो है उत्पादन में अपना हिस्सा प्रदान किया है। सन 1991 की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत
सार्वजनिक क्षेत्रों का अपनिवेश करने तथा निजी क्षेत्र का विस्तार करने की बात कही गई। तो 1991 की जो औद्योगिक नीति, इसमें जो है वैश्वीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, इसकी जो प्रक्रिया को जो अपनाया गया, उसके अंतर्गत जो है निजी क्षेत्र में आने वाले व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगपतियों को विशेष प्रधानता दी गई। साथ ही ऐसे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के जो कि काफ़ी घाटे में चल रहे थे, उनको बंद किया गया। साथ ही ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र जिनसे उतना लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था, उनको अपनिवेश किया गया, वहाँ से पूंजी जो दी जा रही थी उसको कम किया गया और निजी क्षेत्र का विस्तार करने की बात कही गई। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि भारत में निजी क्षेत्र का महत्व किस प्रकार से। तो नंबर पहला बिंदु जो है हमारा आर्थिक विकास में योगदान। तो यहाँ पर जो है देश की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा देश की अर्थव्यवस्था। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है आर्थिक विकास के योगदान के अंतर्गत जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर रही, इसका विशेष महत्व रहा। विविधता के अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं कि निजी क्षेत्र की प्रमुख उपलब्धि जो है विशिष्ट वस्तुओं का उत्पादन करना है। इसमें रसायन, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, रबर आदि उद्योगों में प्रधानता रही है। विविधता से तात्पर्य यहाँ पर कि उत्पादन के सभी प्रकार के उत्पादनों में निजी क्षेत्रों का जो है विशिष्ट महत्व रहा, जिसमें विभिन्न प्रकार से हम देखें तो रासायनिक उत्पादन संबंधी, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से उत्पादन संबंधित बात करें, रबर से संबंधित जितने भी प्रकार के उद्योग, तो निजी क्षेत्र का जो वर्चस्व है वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारे हम जितनी भी प्रकार की चीज़ों का उपभोग करते हैं, हर चीज़ों में निजी क्षेत्र के द्वारा जो है वस्तुएं उत्पादित की जा रही हैं। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ पर उपभोक्ता वस्तु। तो उपभोक्ता वस्तु की यदि हम बात करें तो अपेक्षाकृत जो भी उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं वे कम पूंजी में बेहतर ढंग से यहाँ पर हमें वस्तुएं उपलब्ध करा रहे हैं, कम पूंजी में स्थापित हो रहे हैं। उपभोक्ताओं को उपलब्ध खराब तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, निजी क्षेत्र आज हर क्षेत्र में जो है उत्पादन के जितने भी क्षेत्र हैं जिनको हम उपयोग करते हैं, हर एक उत्पादन को निजी क्षेत्र के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है, और चाहे वो कम पूंजी वाले उद्योगों के द्वारा हो या बड़ी पूंजी के उद्योगों द्वारा, सभी प्रकार के जो हैं उत्पादकों के द्वारा जो है हमें विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन हमारे लिए वो कर रहे हैं। इस आधार पर भी निजी क्षेत्र का महत्व बहुत अधिक है।
इसके बाद हम बात करें लघु क्षेत्र के लिए पर्याप्त हाउस। जैसा कि अभी बताया हमने कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो है कम पूंजी में भी उद्योगों की स्थापना हो जाती है और बहुत अधिक पूंजी के द्वारा भी जो है बृहद स्तर पर उद्योगों की स्थापना करके उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति की जा रही है। तो लघु क्षेत्र के लिए पर्याप्त तो यहाँ पर अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें जो है कम पूंजी पर स्थापना छोटे व मध्यम पूंजी वाले उद्योग। तो यहाँ पर लघु क्षेत्र के लिए भी पर्याप्त अवसर यहाँ पर प्राप्त होते हैं, चाहे वो कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो या मध्यम श्रेणी के उद्योग हो। यहाँ हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र के द्वारा इन सभी क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से इनको अवसर प्राप्त हो रहा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं विशाल क्षेत्र की। तो आज की स्थिति में निजी क्षेत्र के द्वारा जो है किसी भी प्रकार का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर कि निजी क्षेत्र की प्रमुखता ना हो। तो इसका क्षेत्र जो है वो बहुत ही व्यापक और विशाल हो गया है, जिसमें बड़े उद्योग लघु उद्योग इवन तीर उद्योग आदि। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है बड़े बड़े उद्योग हों, चाहे छोटे उद्योग हों, लघु एवं कुटीर उद्योग हों, व्यापार वाणिज्य होटल रेस्टोरेंट सभी स्थानों पर जो है निजी क्षेत्र एक का रूप जो है स्वरूप जो है व्यापक रूप से काफ़ी विस्तृत और फैला हुआ है। इसके अलावा फिर हम बात करते हैं यहाँ पर लाभ की। तो लाभ में हम देखते हैं कि निजी क्षेत्र में अधिक लाभ कमाने के लिए बेहतर कार्य किए जाते हैं। यहाँ पर जो है अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए जो है अपने उपक्रम को, अपनी संस्था को, अपनी फर्म को, अपने कंपनी को बेहतर से बेहतर कार्य करके जो है लाभ की अधिकतम सीमा तक पहुंचाने का प्रयास निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद हम बात करें विदेशी विनिमय की। तो यहाँ पर जो है विदेशी विनिमय के अंतर्गत जो है बड़ी मात्रा में जो है विभिन्न वस्तुओं के निर्यात द्वारा विदेशी विनिमय में मदद मिलती है। यहाँ आयात प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन करके विदेशी मुद्रा बचाने में सहायता दी जाती है। फिर वहीं सामाजिक कार्यों में योगदान जो है यहाँ पर निजी क्षेत्र के द्वारा विभिन्न सामाजिक कार्य जो हैं शिक्षा से जुड़े हुए, स्वास्थ्य से जुड़े हुए या विभिन्न आपके सामाजिक कार्य इनसे जुड़े हुए कार्यों में जो है निजी क्षेत्र के द्वारा समय समय पर मदद की जाती है। तो यहाँ पर ये यह हमने याद देखा कि निजी क्षेत्र का जो महत्व है वो किस प्रकार से है। इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र जो है देश के आर्थिक विकास में, रोजगार सृजन में, उत्पादन वृद्धि में और क्षेत्रीय संतुलन से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि ऐसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय उद्योग कम मात्रा में स्थापित है वहाँ पर जो है ऐसे प्रयास किए जाएँ कि वहाँ पर निजी क्षेत्र जो है तेजी से उस क्षेत्र में उत्पादन की मात्रा को बढ़ा सकें। तो इस दृष्टिकोण से यहाँ पर हमने देखा कि जो इसके महत्व है निजी